तो मैं पिंकी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। मटर पनीर बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये मैंने 150 ग्राम मटर लिया है। ये मैंने 3 यहाँ पे प्याज लिए हैं। प्याज को टुकड़ों को इतना मोटा मोटा हमें काटना है, इसको बारीक नहीं काटना है क्योंकि इसको हमें पेस्ट बनाना है। इससे भी मोटा हम काट सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर और 4 मैंने हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को भी इतना इतना काट लिया है और टमाटर का साइज़ भी इतना बड़ा ही हमें रखना है। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। यहाँ पे पनीर को ऐसे स्लाइस में काटना है, इतना मोटा स्लाइस काटना है पनीर का, ये मैंने काट लिया है। ये यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच ये हरा धनिया है, हल्दी हो चुकी है, और ये 1 चम्मच एक चम्मच जीरा है, इसमें 1 पिंच हींग है, और इसमें मैंने 2 ये लौंग के इस तरह से 2-3 मैंने लौंग भी डाल रखी है इसमें। उसके बाद ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है, ये ऑप्शनल है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने मिर्च लिया है, क्योंकि 2 चम्मच मिर्च ले सकते हैं। अगर आपके पास हरी मिर्च, आप हरी मिर्च डाल रहे हो तो आप 1 चम्मच मिर्च लीजिए, और आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे हो तो आप 2 चम्मच मिर्च ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मिर्च लिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने दही लिया है। ये अदरक का पेस्ट है। अगर आप चाहें तो अदरक का मोटा टुकड़ा काट के टमाटर के साथ इसको प्यूरी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट लिया है। ये गार्निश के लिए हरा धनिया है, और ये 3 बड़े चम्मच तेल है। पैन को मैंने ऑन कर लिया है, ये थोड़ा हल्का गर्म हो गया। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। ये देखिए तेल थोड़ा गर्म हो गया है। इसमें पहले हम हल्के से इस तरह से कवर कर लेते हैं। ये थोड़ा हल्का सा छिड़कता है मटर के दाने, तो इसको हल्का सा कवर करके ऐसे करके थोड़ी देर भूनने देंगे। ये देखिए मटर दाने हमारे भून गए हैं। इसको हमें इतना ही भूनना है, बाकी ये सब्जी के साथ पकेगा। इसको मैं एक प्लेट में अलग से निकाल रही हूँ। देखिए सारा मैंने निकाल लिया है इसको अच्छे से। अब इसी पैन में हमें हल्का सा तेल डाल के प्याज को भूनना है। तेल डाल देती हूँ मैं, हल्का सा 1 चम्मच ही तेल डालना है। ये देखिए मैंने 1 चम्मच तेल डाला, 2 चम्मच मैंने उसमें डाला है। इसको प्याज को हल्का सा भूनना है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं, और अगर आप टुकड़ा लिया है आपने अदरक का तो आप अदरक का टुकड़ा भी इसके साथ ही डाल के आप भून सकते हैं। इसको हमें थोड़ा भूनना है। ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी ऐसे रेडिश टोन पे आ गई है। इसी के साथ हम इसमें टमाटर को भूनेंगे। टमाटर को भी भूनना है सेम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। ये देखिए 3 मिनट तक हमने प्याज भूना, उसके बाद 2 मिनट तक मैंने टमाटर डाल के इसको ऐसे ही भूना है। आपको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है प्याज भी और टमाटर भी, क्योंकि हम इसकी उसका पेस्ट बनाएंगे पीछे। 2 मिनट हो गए हैं टमाटर डाले हुए, और ये अच्छे से देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और ठंडा करने के बाद हम इसको पीसेंगे। ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसको पीसेंगे मिक्सी में डाल के। आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं डालते इसमें, ऐसे पीस जाएगा। ये देखिए इसको ऐसे मैंने पीस लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के कर लेती हूँ। गैस गर्म हो गई है, पैन थोड़ा सा गर्म है। अब हम इसको भूनेंगे। 2 चम्मच तेल डालते हैं, तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया, अब मैंने इसमें जीरा डाला। इसको हल्का सा ऐसे चला लेते हैं। जीरा डालने के बाद जब जीरा थोड़ा भुन जाएगा तब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, मिर्च, और इसको ऐसे चलाएंगे। यहाँ गरम मसाला, धनिया गरम मसाला डाल दिया है, और ये थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भून गया है। इसको भूनने के बाद अब हम इसमें
ये भुनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्योरी जो हमने बना के रखी थी। ये देखिए इस मसाले को हमें लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाना है। अब ऐसे ही बिल्कुल ये मैंने 2 चम्मच दही लिया था, मैं दही भी इसमें डाल देती हूँ। दही डाल के भी 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चलाना है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और इसमें ये तेल थोड़ा ऊपर भी आने लगा है। अब हम इसमें मटर के दाने डालेंगे। मटर के दाने डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको 1 मिनट तक के लिए ऐसे ही पकाना है इसको। मटर के दाने डालने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, 1 और ये 2 चम्मच मैंने पानी ऐड कर लिया। अब इसको 2 मिनट के लिए कम से कम हमें अच्छे से पकाना है मटर डालने के बाद। 2 मिनट हो गए हैं, देखिए मटर अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के टुकड़े। पनीर के टुकड़े डाल देते हैं और इसको हला देते हैं थोड़ा सा। और अब हम इसको फिर से 2 मिनट पकाएंगे, ढक के हम इसको 2 मिनट फिर से पका देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा पक गया है, उसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको गार्निश कर देते हैं धनिया पत्ते के साथ। इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। डाल लेते हैं नमक डालने के बाद और गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए मटर पनीर हमारा बनके तैयार, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और इसको थोड़ा और धनिया पत्ते से अच्छे से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा मटर पनीर बना है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और अपने अनुभव हमारे YouTube चैनल पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।